आपका क्वेश्चन है, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड? एटमोस्ट वन हेड। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टू कॉइन्स, तो एक कॉइन के अंदर क्या क्या होता है वो। तो दैट इज योर हेड प्लस टेल फॉर्म्स अ कॉइन। इसने कहा टू टाइम्स, तो दैट मीन्स जस्ट इसको आप स्क्वायर कर दो, यू विल गेट एच स्क्वायर प्लस टू एच टी प्लस टी स्क्वायर। नाउ चेक द कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, देखो एच स्क्वायर दैट मीन्स टू हेड के कोएफिशिएंट इज वन, एंड हेड एंड टेल, वन हेड वन टेल के कितने हैं टू, एंड टू टेल के कितना कोएफिशिएंट है, दैट इज योर वन। ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। दैट मीन्स यू विल कम हियर, सिंगल हेड का तो टू हो गया, और उससे भी कम कितना है, तो वी विल गो फॉर दिस ऑल्सो, तो दिस इज योर थ्री, है ना। यहां पर देखो कोई भी हेड नहीं है, तो इसको भी आपको काउंट करना है, तो थ्री हो गया। एंड टोटल आउटकम कितने हैं, देखो टोटल गिनो, वन टू प्लस एंड वन इज फोर, तो कितना हो गया, 3/4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दैट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर।